नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है अपना आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। जैसे कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे टॉप ट्रेड किया था ईयर 2011 में, उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस जब भी इस रेड लाइन को टेस्ट किया है प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिल रहा था। इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस के लिए रेड लाइन था मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस, एंड फाइनली मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ईयर 2023 में ब्रेकआउट किया। अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है तो माना जाता है कि उसका जो डाउन ट्रेंड था वो भी खत्म हो गया है, एंड प्राइस यहाँ पे एक नया अप ट्रेंड एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। एंड प्राइस देखिए ऑलरेडी एक अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर चुका है, एंड फाइनली के रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था जिस रेंज को ऑलरेडी प्राइस ब्रेकआउट कर चुका था। अगर अब हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे प्राइस देखिए आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा था। दोनों ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। जब भी स्टॉक का प्राइस देखिए रेंज का अपर बाउंड्री को टेस्ट किया है, मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है, एंड रेंज का लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम यहाँ पे डिमांड मिला है, एंड जो रेड लाइन जा रहा है ये हो गया 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। एंड एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट किया था। जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया था यहाँ पे भी हमारा एंट्री था, एंड प्रीवियस स्विंग लो स्टॉपस था जो कि अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं है, एंड अभी भी चार सेट ऑफ वैलिड है, एंड प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। बस रिस्क को डिफाइन करने के लिए प्रीवियस स्विंग लो बनेगा स्टॉप लॉस जो कि बन रहा है बिलो 82.5। आपका रिस्क को डिफाइन करने के लिए 82.5 के नीचे स्टॉप लॉस को प्लेस कीजिएगा। जब तक स्टॉक का प्राइस इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है ये ब्रेकआउट वैलिड रहेगा, एंड पोटेंशियल हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ से कंटिन्यूएशन ऑफ मूवमेंट दिखा सकता है। एंड जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा नियरली लाइफ हाई का जो कि बन रहा है 181, लेकिन जो शॉर्ट टर्म का टारगेट बनेगा वो बनेगा 120। पहला टारगेट 120 एंड सेकंड टारगेट 180। इस दोनों टारगेट को स्टॉक का प्राइस टेस्ट कर सकता है जिस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर। अगर यहाँ पे अभी आप क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू देखिए स्लाइटली डाउन हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो किया है 1672 करोड़ से ग्रो हुआ है 1739 करोड़ का, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए मेजोरिटी होल्डिंग यहाँ पे प्रोमोटर के पास है जो कि अराउंड 95%, FI होल्ड कर रहे हैं ओनली 0.46%, DI होल्ड कर रहे हैं 0.16%, बैलेंस माल यहाँ पे पब्लिक होल्ड कर रहे हैं। मेजोरिटी होल्डिंग है प्रोमोटर के पास जो कि पॉजिटिव साइन है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को खुद का एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।